वेलकम जी कबर। देखिए ये जो वीडियो है ये आपका है भारतीय पुरस्कार जो है, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और जो हाल में भी एग्ज़ाम होने हैं उनमें तो ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा। तो जितने भी पुरस्कार भारत के अंदर दिए जाते हैं मोस्टली जो है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ एक बात मैं बोल दूँ कि ये सभी टॉपिक जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में इनके कुछ क्वेश्चन तो आपको पक्का श्योरली मिलेंगे। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप एसएससी बैंक जिसका भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो आप उसे ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को एक जगह लिख के रख लीजिए, क्योंकि वीडियो तो पड़ी है मेरी यूट्यूब पे, आप उसको जब भी चाहे देख लीजिए, लेकिन अगर आप एक जगह इसको लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते। देखिए फर्स्ट क्या है कि भारत रत्न, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भारत रत्न है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो क्या है भारत रत्न जो है, ये भारत रत्न भारतीय पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 2 जनवरी 1954 में हुई थी। ठीक है, देखिए टाइम बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इस वीडियो में लिया है। तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 में। ठीक है, देखिए ये वाला कोर्स टॉपिक जो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि राजगोपालचारी जी जो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश का अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, थोड़ा इसको याद रखिएगा कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो क्या गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने भी भारत रत्न पाया है। ठीक है, ये भारत रत्न से क्या है, सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सी आप याद रखिए। देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, देखो हाल के अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए 2001 में जो ये गायिका हैं लता मंगेशकर जी, इनको मिला था, या 2009 में आपको मिला है भीमसेन जोशी को, 2014 में मिला है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और 2015 में अभी हाल ही में इनको मिला है अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, तो इन थोड़े से इनको याद रखिएगा क्योंकि आपको हाल के या थोड़े पुराने पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पद्म विभूषण। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला क्या है आपका भारत रत्न और दूसरा क्या है पद्म विभूषण। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, देखिए अभी हाल में दिया गया है अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को। ठीक है, इनके नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि फिल्मों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अमिताभ बच्चन एवं दिलीप कुमार जैसी हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, अभी हाल में ही किया गया है। और देखिए जो 2018 के जो भी मिले हुए हैं इनको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए 2018 के जो है टोटल जो अवार्ड मिल रहे हैं आपके 84 मिल रहे हैं। ठीक है, और जिसमें से अभी कुछ दिए गए हैं और अभी अप्रैल में इन्हें फिर से दिया जाएगा, तो जो अभी डेट दिए गए हैं उनको आप देख लीजिए क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल लेंगे। तो ये क्या है इलायराजा, क्या है इलायराजा जो है संगीतकार है, इनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, 2018 का। और नेक्स्ट क्या है गुलाम मुस्तफ़ा खां, ये शास्त्रीय संगीत है कारक है, इनको भी मिला है अभी पद्म विभूषण। और परमेश्वर भी केरल के, इनको भी मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनको ज़रा सी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि पद्म विभूषण, क्या है पद्म भूषण जो है ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये देखिए 2018 के थोड़े से देख लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपके। देखिए रामचंद्र नाग का स्वामी जी को मिला है पद्म विभूषण, और फिर वेद प्रकाश नंदा जी को मिला हुआ है, फिर अरविंद फारिक को मिला हुआ है, और फिलोपस क्रिस्टोपस को टम को भी मिला है ये अवार्ड। ठीक है, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, ये 2018 के लेटेस्ट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल है, ये थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पद्मश्री, ये देखिए ये भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, थोड़ा इसको याद रखिएगा कि पद्मश्री क्या है, ये भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। देखिए 24 फरवरी को जो फिल्म है श्रीदेवी जी का निधन हो गया, उन्हें 2013 में भारत के चौथे सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए अभी ये थोड़ा सी काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी, तो इनके निधन से काफ़ी मतलब भारत में काफ़ी शोक भी रहा, तो ये थोड़ा सी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखिएगा इनको 2013 में भी दिया गया था पद्मश्री सम्मान। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देखिए 2018 की पद्मश्री जो है थोड़े से इनको देख लीजिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत
जो है वो 2018 के पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किए गए। इनको थोड़ा सा इनका नाम याद रखिएगा कि कौन है, बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि अभी अरविंद गुप्ता, ये अगानपुर IIT के प्रथम जो है इनको मिला था पद्म श्री सम्मान अभी 2018 का, इनको भी आप थोड़ा सी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए 2018 में पद्म श्री सम्मानित हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, अगर यूपी का एग्जाम है तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो ये इनको मिला है, भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी को भी मिला है, और मोहन स्वरूप भाटिया जी को और अनवर जलालपुरी को। देखिए ये क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि 2018 में जो सम्मानित हुए उत्तर प्रदेश के तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा पद्मश्री से, तो भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, मोहन स्वरूप भाटिया और अनवर जलालपुरी। देखिए इस बार उत्तर प्रदेश को ना पद्म विभूषण और ना भूषण दोनों ही अवार्ड नहीं मिले हैं, तो ये काफ़ी मतलब ख़राब बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड्स नहीं दिए गए, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैन बुकर पुरस्कार। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि मैन बुकर पुरस्कार जो है ये अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, ठीक है। ये अंग्रेजी राइटर जो होते हैं उनको दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। जो जितने भी जो कहानियां हैं या जो भी नॉवेल्स हैं जो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय मूल के अब तक 5 व्यक्तियों को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट में मिला किसको है, अरविंद अडग्गा जी को मिला है ये पुरस्कार, फिर अब BF जो है नायपॉल जी को भी मिला था, फिर अरुंधती रॉय जी को भी मिला ये, और ये सलमान रजदी जी को मिला है, और करण देसाई जी को, ठीक है। थोड़ा इनका नाम याद रखिएगा अरविंद अडग्गा जी का, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में इनको मिला है, तो ये आपके एग्जाम में थोड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए ग्रैमी पुरस्कार क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए क्या, इसकी शुरुआत जो हुई 4 मई 1959 में हुई, ठीक है, हुई और हुई तो म्यूजिक एकेडमी अवार्ड है, ठीक है। ये क्या है कि ये म्यूजिक एकेडमी अवार्ड है, और ये भी कहाँ से देता है, अमेरिका द्वारा दिया जाता है। देखिए काफ़ी बड़ा अवार्ड है ये, और ये भी मतलब भारत के कुछ लोगों को ही मिला है अभी, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देखिए क्या है कि पंडित रविशंकर, ठीक है, जो पंडित रविशंकर जो कि एक सितार वादक है, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और 2017 में अभी लेटेस्ट में ये संदीप दास जी को है, जो तबला वादक है, इन्हें भी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको थोड़ा सा आप नाम दोनों का याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 2018 के जो अभी हाल में अवार्ड दिए गए, ये थोड़ा सा याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एल्बम ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है ब्रूमो मार्स को दिया गया, ठीक है। इनके इस गाने को जो है ये इनको ही अवार्ड मिला है, ब्रूमो मार्स को, क्या एल्बम ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्या आपका कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये तो बहुत IMP क्वेश्चन है, ये याद रखेगा। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई, और ये भारतीय फिल्मों को जो दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। जो फिल्मों में रिलेटेड जो भी कहानियां होती, जो भी मतलब जितना अच्छा जो परफॉर्मेंस करते हैं अपना, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय फिल्मों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता कौन थी, देविका रानी। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, क्या है दादा साहब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता कौन थी, देविका रानी थी। और 1989 में जो ये अवार्ड लता मंगेशकर को भी दिया जा चुका है, ठीक है, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। देखिए ये वही लोग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट वाइज दे दिया है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया था, लता मंगेशकर जी को दिया था, और ये 1971 में राज कपूर को। देखिए एकमात्र अभी तक के जो अभिनेता हैं जिनको मरने के बाद ये जो मरणोत्पाद को ये दिया गया है ये अवार्ड, तो ये थोड़ा इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 1971 में राज कपूर जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्या है कि 1983 में दुर्गा खोटे प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इसको थोड़ा सी आप याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा और इन्हें भी देख लीजिए, ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो 2012 में किसे मिला है, रामकिशन सिकंद जी को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिर 2013 में गुलजार जी को मिला है, 2014 में शशि कपूर को, 2015 में मनोज कुमार को, और 2016 में काशी नाथ धोनी जी को, विश्वनाथ जी को मिला है 64वां। देखिए अभी इस हाल में शायद ये भी बोला जा रहा है कि जो 65 जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो शायद प्रियंका चोपड़ा जी को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी भारत का काफ़ी नाम किया है, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि यश भारती सम्मान, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो यश भारती पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये क्वेश्चन स्पेशली फॉर यूपी पुलिस वालों के लिए भी है, और क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत भारती पुरस्कार क्या है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और यश भारती पुरस्कार में क्या 11 लाख इनाम की राशि होती है, और 50,000 जो महीना पेंशन का प्रावधान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है क्या आपका भारत भारती सम्मान, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो हिंदी साहित्य संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत भारती क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है। और इसको याद रखिएगा क्या, 1982 में महादेवी वर्मा भारत भारती सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी। मोस्ट IMP क्वेश्चन याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके UP के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, थोड़ा जिसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 1982 महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान प्राप्त करने हुआ था, जो कि भारत की पहली महिला थी जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 1990 में धर्मवीर भारती को भारत भारती सम्मान प्राप्त हुआ था, और ये कौन थे, प्रथम पुरुष थे, ठीक है। और थोड़ा सा हाल के जो मिले हैं इनको भी थोड़ा याद रखिए, तो भारत भारती 2013 किसको मिला, दूधनाथ सिंह जी को, 2014 मिला है काशीनाथ सिंह जी को, और 2015 मिला है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को, और 2017 का याद रखिएगा डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी को, ठीक है। तो थोड़ा ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्व भारती पुरस्कार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार यह भी है, और ये संस्कृति पाली और प्राकृत में उत्कृष्ट भूमिका में दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखें, किस में दिया जाता है, संस्कृत पाली और प्राकृत में जो उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं उनके लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए थोड़े से जो अभी हाल में मिले हैं इनको याद रखें, जो 2009 में प्रोफेसर आदा प्रसाद जो इलाहाबाद से इनको मिला था, फिर आचार्य रामयत्न शुक्ल जी को मिला हुआ है, और 2015 में किसे मिला है, प्रोफेसर अभिराज राधेन मिश्र को, ठीक है। तो इन सबका नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यह अवार्ड मुख्यतः कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए इस ये जो टॉपिक है ये तो आपके एग्जाम में 101% आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होते हैं इनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, स्वर्ण कमल, रजत कमल और क्षेत्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 64वें जो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो दिए गए हैं वो जो आपका सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी कशाब को दिया गया, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी धनक को, ये दोनों जो स्वर्ण कमल थे इस श्रेणी में दिए गए हैं, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, ये आपकी कशाव, और सर्वश्रेष्ठ जो बाल फिल्म है वो आपकी है धनक, ठीक है। देखिए रजत कमल का भी थोड़ा सी इनको याद रखिएगा, ये 64वें, देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, अक्षय कुमार जी को फिल्म रुस्तम के लिए, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुरभि लक्ष्मी जो है इन्हें मिला मिन्ना मिनुंगे के लिए, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, मनोज जोशी, और सर्वश्रेष्ठ जो है सह अभिनेत्री है आपके जायरा वसीम जी को दिया गया, ठीक है, और सामाजिक विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, पिंक, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है रजत कमल, ठीक है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। देखिए क्षेत्रीय पुरस्कार की श्रेणी में क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है विसर्जन को दिया गया, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो आपकी नीरजा, और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म जो आपकी जोकर, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो 63वें हैं इनको भी देख लीजिए, क्योंकि जो एक साल पहले या एक साल के बाद के पूछे जाते हैं अक्सर, तो थोड़ा इनको भी देख लीजिए। इसमें क्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था उनकी फिल्म पीकू के लिए, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत जो थी वो तनु वेट्स मनु के लिए इनको चुन दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो बाहुबली, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी दम लगा के हाइसा, इसको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म जो थी ये आपकी बजरंगी भाईजान, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार की वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।